हेलो फ्रेंड्स, जुओ को कोर्ट का लगा झटका। क्यों, ऐसा क्या हुआ कोर्ट में, ये जानकर आप बेहद दुखी होंगे। दोस्तों, 31 मार्च के बाद जुओ बंद हो सकता है या फिर आपको जुओ की सस्ती सर्विस अभी नहीं मिल सकती। उसका क्या कारण है, क्योंकि कोर्ट से आया बड़ा आदेश, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आपको पता है जियो ने पिछले साल एक प्राइम मेंबरशिप लॉन्च किया था और उसकी वैलिडिटी 31 मार्च को खत्म होने वाली है। आपको पता है जियो के वजह से बहुत सारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज बंद पड़ गई है, क्योंकि जियो ने इंटरनेट सबको लगभग फ्री की तरह दिया है। और आपको ये भी पता है कि जियो के लॉन्च होने से पहले आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनीज 1GB 4G डेटा आपको 300 से 500 रुपीज में प्रोवाइड करती थी। लेकिन जियो के सस्ते प्लान की वजह से बहुत सारी कंपनीज बंद पड़ गई है। अभी बड़ी बड़ी कंपनियों ने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं और कोर्ट में बोला है कि अगर जियो इस देश में रहेगा तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों ने कोर्ट में ये कहा है कि जियो के वजह से हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम छोड़कर जा रहे हैं या तो हमारे कस्टमर जियो में शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि जियो इंटरनेट बहुत सस्ते में दे रहा है, इसकी वजह से जियो को बंद किया जाए या तो इंटरनेट के जो रेट है उतने ही रखे जितनी दूसरी कंपनीज रख रही है। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद मुकेश अंबानी बोले कि ये देश मेरा है और ये देश ही मेरा घर है, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और इसकी वजह से हमारा जो इंटरनेट प्रोवाइड करने का खर्च है वो कम आता है, और इंटरनेट प्रोवाइड करने का खर्च कम आने की वजह से हम लोगों को सस्ती सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसकी वजह से उनका इंटरनेट प्रोवाइड करने का खर्च ज़्यादा आता है और उस खर्च को मिटाने के लिए वो अपने प्लान्स का रेट हाई रखते हैं। मुकेश अंबानी बोले, अगर 1GB डेटा हम कम पैसों में दे सकते हैं तो हम 1GB डेटा 300 से 500 रुपये में क्यों चार्ज करें। मुकेश अंबानी ने ये फैसला लोगों पर सौंपा है, अगर मेरा देश मुझे अपना मानता है तो मुझे सपोर्ट करे और कोर्ट को दिखा दे कि जियो के वजह से लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि जियो के वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब मिला है और कम पैसों में सर्विस। अगर आपने अभी मुझे सपोर्ट नहीं किया तो जो डेटा आपको सस्ते में मिल रहा है वो आपको 300 से 500 रुपये देकर खरीदना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी आपसे विनंती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नहीं तो आपको फिर से 1GB डेटा ज़्यादा पैसे देकर खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों, बचे रहो इन कंपनियों से और अपने हक के लिए लड़िए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।